प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। दिस इज़ मी सहार एमस और मैं आप सबको लाइट ऑफ द वर्ल्ड न्यू ईयर स्पेशल प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ एक नए साल के लिए जो खुदावन ने हमें बख्शा, ताकि हम इस नए साल में और ज़्यादा फल लाएँ और इस नए साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावन में बढ़कर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्शिपर सुनीका अनवर और खुदावन की खादमा को हम वेलकम करेंगे। सो सिस्टर जी, वी वेलकम यू। थैंक यू सो मच फेथ टीवी एंड ऑल द टीम, एंड थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और खुदावन की शुक्रगुजार हूँ मैं जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आके खुदावन के नाम को जलाल दे सकूँ, आपके साथ मिलकर तमाम देखने वाले लोगों के लिए कोई ना कोई गवाही का जो सबब बन सकूँ। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ खुदावन की। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच सिस्टर जी। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक दुआ करेंगे और दुआ में सिस्टर जी रहनुमाई करेंगी। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक रब्बुल अफवाज, खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ मैं मेरे प्यारे खुदा। सारा इज्जत सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को देती हूँ मैं मेरे प्यारे खुदावन खुदा। ऐ खुदा, ने इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इस चैनल को, इस चैनल की पूरी टीम को मेरे प्यारे खुदा आपके हाथों में सौंपती है खुदा, जिन्होंने आपके कलाम को दुनिया की इंतहा तक ले जाने का जिम्मा उठाया है खुदावन। तो इन्हें बरकत और ज़ोर बख्श मेरे प्यारे खुदा, इनका हादी रहनुमा हो खुदावंदा। तमाम देखने वालों के लिए खुदा मैं दुआ करती हूँ खुदा, आज इस प्रोग्राम के वसीला से उनकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत आए खुदा, वो तेरे नाम को जलाल देने वाले बने खुदा। एक एक जान जो तेरे नाम को सुन रही है, जो सर तेरे हजूरी में झुका है मेरे प्यारे खुदावंदा, वो तेरे उसको मैं तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ आपके पाक बुजुर्ग नाम में खुदावंदा। उन्हें बरकत, सरफराजी, कामयाबी, कामरानी अता करना। आज हम जो भी बात करें खुदा, तो हमारा हादी रहनुमा होना खुदा, हमें बरकत देना, लफ्ज़ों की तरतीब अता करना। और पूरे प्रोग्राम का हॉल में तेरे पाक पवित्र नाम को देती हूँ खुदावंदा, अपने आप पर, सिस्टर जी पर, तेरे पाक लहू को मांगती हूँ मेरे प्यारे खुदावंदा। जब हम बोलें खुदावंद, हमारे अंदर तेरा रूह बोलें खुदावंदा, ताकि हम इस नए साल में नए रूह से तेरी प्रस्तुति कर सकें, तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें खुदावंदा। सारा इज्जत सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। और जैसे कि हम लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मेरी तरफ से और पास्टर सिसल जॉन बरकत की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की खुशियां मुबारक हो। और सिस्टर जी, जैसे कि क्रिसमस की तो बहुत ज़्यादा तैयारियां होती हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, तो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? डेफिनेटली न्यू ईयर एक नया साल है। खुदावन के कलाम में भी लिखा है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं और नई हो गईं, कि खुदावन जो है नई चीज़ों को पसंद करता है। अपनी पुरानी बुराइयां, पुरानी बातों को छोड़कर खुदावन जब इस दुनिया में आए, तो हमें एक नई ज़िंदगी मिली, गुनाह से पाक एक ऐसी ज़िंदगी मिली जिसमें हम निजात याफ्ता और खुदा के चुने हुए लोग, जिसे खुदावन ने अपने पाक लहू से छुड़ाया। तो एक नई ज़िंदगी के लिए एक नया साल हमें जब खुदावन देता है, तो हमें चाहिए कि हमें उस नए साल को वार्मली उसको वेलकम करें और नए साल में उसको अच्छी तरह मनाएं और खुदा के कलाम को सुनें। तो आई थिंक नया साल जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग है, और हमें इस ब्लेसिंग को बड़े जोश से इसको वेलकम करना चाहिए। और हमारे चर्चेज में, हमारे मतलब जिस तरह क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, बिल्कुल उसी तरह जो है नया साल भी सेलिब्रेट होता है और होना भी चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी तरह जब खुदावंद हमें एक नया साल बख्शता है, तो हमें चाहिए कि उस नए साल में जो हम पिछले साल में नहीं कर सके, हम कोशिश करें कि हम खुदावंद में रहते हुए नए कामों को करें। जैसे सिस्टर जी ने बताया, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लोग अक्सर आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं, वो पीछे के जो नहीं काम कर पाते डिसअपॉइंट हो जाते हैं और आगे का फिर सोचते नहीं। लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए, जब खुदावंद हमें एक और नया मौका देता है, तो हमें ज़रूर उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। सो सिस्टर जी, इंसान को एक नया साल देने के पीछे खुदा का क्या मकसद है? बाइबल मुकद्दस में हम लोग क्या सीखते हैं? बाइबल में जैसे आपने वो मिसाल सुनी होगी कि खुदावंद जो है एक बागबान होता है, वो दरख्त लगा होता है, हर साल वो उस दरख्त को देखता है, सारे दरख्त फल देते हैं, लेकिन वो दरख्त जो है वो फल नहीं देता। वो हर साल उस दरख्त को काटना चाहते हैं, लेकिन जो माली होता है वो कहता है कि नहीं, इसको एक साल और दे दिया जाए, ताकि हो सकता है ये आने वाले साल में जो फल ले आए। इसी तरह हमारी ज़िंदगियाँ भी हैं, खुदावंद हमें हर साल एक नया एक मौका देता है, जिसमें ये कि वो हमारी ज़िंदगी में फल ढूंढता है। फल ये हैं, जैसे रूह के फल हैं, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, हिल्म, परहेजगारी, ये सारे वो फल हैं जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ढूंढता है।
हम सिर्फ नामी मसीही बन जाते हैं, सिर्फ लेबल लगा लेना मसीहियत नहीं होती। लाइक आपकी ज़िंदगियों में खुदावंद का जो कलाम है, आपका उसका जलाल है, नज़र आना चाहिए। और हर साल नया साल हमारी ज़िंदगी में आता है तो खुदावंद ये चाहता है कि हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में इस नए साल में उसके करीब जाएं और अपनी ज़िंदगियों खुदावंद को दें और अपनी ज़िंदगियों में और ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की तरफ आएँ, नेकियाँ करें और जैसे वो चाहता है उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो मैं तो यही कहूँगी कि खुदा नया साल हमें इसलिए देता है कि हम पुरानी बदियों को छोड़कर एक नई ज़िंदगी हासिल करें और वो ज़िंदगी जो कलाम के मुताबिक। जी बिल्कुल सिस्टर जी, और एक नया साल देने का मकसद कि हम लोग फल लेकर आए, और फल ये नहीं, हम लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिल गई तो ये मैं फलदार मेरी ज़िंदगी हो गई है, लेकिन हमें चाहिए कि हम रूहानी तौर पर फलदार हो जाएं। हमारी रूह जो है, हमारा स्पिरिचुअल जो रिश्ता है खुदावन के साथ, वो फ्रूटफुल हो। हम जब दुनियावी चीज़ें जब हम लोग हासिल करते हैं तो हम कहते हैं अब हम बहुत फ्रूटफुल हैं, खुदा ने हमें बहुत बरकत दी है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हों, हमारा खुदा के साथ एक रिश्ता जो है वो अच्छा बने और हम खुदावन में बढ़ सकें और खुदावन में रहते हुए हम फ्रूटफुल ज़िंदगी को जिए। सो सिस्टर जी, जब नया साल शुरू होता है तो बहुत से लोग बहुत सी दुआएं करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कैसी होनी चाहिए? दुआ का जो लफ्ज़ है इसका मतलब ये है कि मांगना, किसी से बात करना, और जो दुआ है इसका मतलब खुदा से बात करना। और जब दो लोग बात करे होंगे तो दरमियान में अगर कोई तीसरा, यानी कि हमारी ज़हनी सोचें, अबलीसी रुकावटें, अगर वो आएंगी तो फिर दो लोगों की बात जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जब हमने खुदा से बात करनी तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा रब्ता जो डायरेक्ट खुदा के साथ हो। अगर हम अपने जहन में कदूरतें, नफ़रतें रखेंगे तो दुआ जो है वो खुदा तक नहीं पहुँचेगी। इट्स लाइक सिग्नल, जब जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो बीच में सिग्नल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बात जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। इसी तरह खुदा के साथ भी जब हमने बात करनी है तो हमारा रब्ता डायरेक्ट खुदा के साथ होना चाहिए, और उसका ज़रिया है ईमान। जब हम डगमगा जाते हैं, जब पतरस रसूल पानी में चल रहे थे तो वो भी सामने यसू था, वो फिर भी डगमगा गए। यसू सामने होता है, हम फिर भी अपने ईमान की कमज़ोरी की वजह से डगमगा जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम यसू से दुआ करें और हम गिर जाएंगे, डूब जाएं, नहीं। हमारा जो ईमान है जब तक वो मजबूत नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारा ईमान मजबूत होगा तो हम पानी पर चल सकते हैं। आमीन सिस्टर जी। ईमान की कमज़ोरी दुआओं को कबूल नहीं होने देती, और अगर कोई भी दुआ है, अगर आपने उस चाहते हैं कि वो दुआ कबूल हो, तो सबसे ज़रूरी आपका ईमान है, जो साबित कदम ईमान होता है, कि पहाड़ों को भी हिलाने वाला ईमान है, वो ईमान खुदा हमसे चाहते हैं, तब वो दुआओं को सुनते हैं। बेशक, और जैसे कि सिस्टर जी ने बात की खुदा के बंदा पतरस की, कि जब तक उनका फोकस खुदावन पर रहा वो पानी पर चलते रहे। जैसे ही उन्होंने अपने इर्द गिर्द अपने हालात को देखा और पानी को देखा तो वो उस पानी में डूबने लगे। तो हमारे अंदर फोकस होना चाहिए, हमारा ईमान खुदा पर होना चाहिए, और हमें खुदावन की तरफ नज़र रखनी चाहिए कि खुदा हमारी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हालात आते हैं जो हमारे मुताबिक हमें लगता है कि हम इसे फेस नहीं कर सकते, लेकिन खुदावन का रूह हमें तकवियत बख्शता है, क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि जो मुझे तकवियत बख्शता है मैं उसके ज़ोर में सब कुछ कर सकता हूँ। हमें डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें हमेशा ईमान में मजबूती से खड़े रहना चाहिए और खुदावन में बढ़ना चाहिए। सो सिस्टर जी, और हमारी दुआएं कैसी होनी चाहिए, और आप क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? जो दुआएं कही, ईमान तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद रूहुल कुदस की, जो हमारी ज़िंदगी में रूहुल कुदस की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रूहुल कुदस के जो है वो खुदाम के पास हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो रूह है, रूह के पास रूहानी ही लोग जा सकते हैं। क्योंकि हम चर्चेज में बैठकर भी हम दुआ नहीं कर रहे होते, हम दुनियावी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए हमारी जो दुआएं वो कबूल नहीं होती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ईमान, और उसके बाद है रूहुल कुदस। और रूहुल कुदस की वजह को जानने के बाद हमारी दुआएं हम सिर्फ कह देते हैं और खुदा हमारी सुन लेता है। अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं तो बस दिल में ही सोचता हूँ और खुदा मेरे लिए कर देता है। बेशक वो लोग जो दिल से, रूह से उसके साथ चलते हैं,
उनकी खुदा सुनता है। और खुदा का कलाम, खुदा के कलाम में भी लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। बिल्कुल, जब हम खुदा से रूह के साथ मांगते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। बेशक ज़रूरत है खटखटाने की। या मैं इस बात को थोड़ा सा लंथी करूँगी कि जिस तरह वो 12 बरस की रोगन थी, उसने बड़ा इलाज करवाया बड़ी जगहों पर, लेकिन उसने कभी यीशु को नहीं जाना। लेकिन जब उसने जाना, उसने कहा मैं उसके पास जाऊँगी। और समटाइम खुदा वेट कर रहता है कि ये मेरे पास आए, मेरे घर में आए, मेरे पास आए। दूर दूर से हम दुआएं करते हैं, चर्चों में जाते हैं, पादरियों से दुआएं कराते हैं, नहीं। सो उस औरत ने क्या किया कि वो इतनी भीड़ में जहां लोग खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे थे, उसने कहा कि मैं उसका पलड़ा छू लूँगी तो शिफा पाऊंगी। और उसी वक्त उसने शिफा पाई। ये ईमान है। और ये उसने चलकर जब खुदा के पास गई सिस्टर जी, तो उसने उस रूह कुदस के मसा से ब्लेसिंग को रिसीव किया। तो ज़रूरत यह है कि हमें खुदा के पास चलकर जाना है और उससे दुआ मांगनी है, ईमान और रूह कुदस के साथ। उससे रूह कुदस मांगे, अपना ईमान मजबूत करें। और फिर मैं यकीनन ये बात ईमान से कहती हूँ कि हर दुआ जो मांगी जाएगी वो ज़रूर कबूल होगी। तो सिस्टर जी, जब हम दुआएं करते हैं तो उसमें खुदा की मर्ज़ी होना कितना ज़रूरी है? बेशक खुदा की मर्ज़ी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। जब दुआ मांगी जाती है तो वो मुकद्दस कलाम के मुताबिक मांगनी चाहिए दुआएँ। रूह कुदस की रहनुमाई में, जैसे रोमियो 8:26 में लिखा हुआ है, हमें खुदा के रूह कुदस को तलाश करना चाहिए। जब हम उसकी रूह को, उसकी बादशाही को तलाश करते हैं, तो फिर दुनिया की हर चीज़ हमें मिल जाती है। ख्वाब ज़िंदगी हो, तंदुरुस्ती हो, शोहरत हो, दौलत, सब कुछ खुदा जो है वो सब कुछ मुहैया करते हैं, तब जब हम उसके साथ मुकम्मल ईमानदारी से चलते हैं, उसके ऊपर ईमान रखते हैं और उसके रूह कुदस की रहनुमाई में अपना हर काम जो है वो उसके रहनुमाई से हासिल करते हैं, तो फिर वो हमें बरकत देता है और हमारी दुआओं को सुनता है। और दुआ जो है वो एक मुसलसल चलने वाला प्रोसेस है। अगर हम एक दिन दुआ करें और दो दिन दुआ करें, तीन दिन दुआ करें, हद एक महीना दुआ करें और वो दुआ कबूल ना हो, तो हम डिसहार्ड हो जाते हैं। हम कहते हैं शायद खुदा हमारी नहीं सुन रहा या खुदा हमसे नाराज़ है। हम इधर उधर दूसरे लोगों के पास भागते हैं, लाइक पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं और बहुत ही अजीब गरीब चीज़ें अलग अलग लोगों में बैठते हैं, उन पर ईमान रखते हैं। लेकिन जो खुदा कहता है कि तुम मुसलसल, जैसे बाइबल में भी बेइंसाफ काजी और बेवा का किस्सा लिखा हुआ है, तमसील लिखी हुई है कि बार बार वो उसको तंग करती है और आखिरकार वो उसका इंसाफ करता है। तो हमारा जो खुदा है वो तो कादर मुतलिक है, यहोवा यरी है। तो जब हम उसे बार बार एक चीज़ के लिए दुआ मांगते हैं, तो वो यकीनन हमारी दुआओं को सुनता है। वो रहीम है, तो वो रहम करता है। वो सिर्फ ज़रूरत ये है कि वो चाहता है कि ये मेरे पास आएँ, ये मुझसे कहें, और जब मुझसे कहेंगे तो वो ज़रूर सुनेगा। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने सिस्टर जी। और जैसे सिस्टर जी ने कहा कि हमें मुसलसल दुआएं करनी चाहिए, हम लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हम 5-6 दफ़ा दुआ एक मकसद के लिए करते हैं और हम समझते हैं कि बस अब नहीं खुदा सुनने वाला, मैं अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दुआ में मजबूत रहना चाहिए और सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि जब वक्त होगा तो खुदा हमें बख्श देगा। और इसी तरह सिस्टर जी, जब नया साल शुरू होता है तो बहुत से लोग बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और बहुत से गोल्स बनाते हैं कि मैं साल में ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन ऐसे बाइबल मुकद्दस में कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन पर अमल करके हम लोग अपनी उन गोल्स को, ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले तो ज़बूर में लिखा है कि अगर खुदा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब बस है। हर चीज़ में खुदा की मर्ज़ी है। हम डिसीजंस लेते हैं, हम प्लानिंग्स करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या उसमें खुदा की मर्ज़ी है, क्या खुदा इस चीज़ में हमारे साथ अग्री करता है। समटाइम ये होता है कि खुदा, हम सिर्फ खुदा की मर्ज़ी को साइड पर रखते हैं और कहते नहीं ये मेरी मर्ज़ी है, मैं यही करूँगा। दुनिया को दिखाने के लिए हम खुदा का नाम लेते हैं ये वो, लेकिन हम जो प्लानिंग्स करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम खुदा की मर्ज़ी को जाने। खुदा की मर्ज़ी जानने के लिए या वो प्रिंसिपल जिसके थ्रू हम न्यू ईयर के जो रेवोल्यूशंस हैं या जो भी प्लानिंग्स हैं और मकासद हैं, उनके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए कि हम उसको दुआ में रखें। दुआ का तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दुआ कैसे होनी चाहिए। उसके बाद हमें रोज़ा रखना चाहिए कि खुदा मैं ये काम करना चाह रहा हूँ इस नए साल में, तो खुदा क्या आपकी इसमें मर्ज़ी है। अगर कोई अबलीसी रुकावट है या जो भी है,
तो वो खुदा के पाक लहू में उसको छुपाएं, उस चीज़ को खुदावंद के सामने रखें, और यकीनन वो जो जो डिसीजंस, जो फैसले और प्लानिंग्स जो फेल होती हैं, आई डोंट थिंक सो कि अगर जब हम खुदा का नाम लेकर शुरू करेंगे तो वो फेल होंगी। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और जैसा कि आज हम लोगों ने सीखा कि खुदावंद का हमें नया साल देने का मकसद है कि हम ज़्यादा फल लेकर आएँ, और फिर हमने सीखा कि हमें दुआएं कैसे करनी है, और जब दुआएं करना हमने सीख लिया है तो जब हम डिसीजंस लेंगे तो यकीनन जब हम दुआओं में उन डिसीजंस को, उन प्लान्स को रखेंगे तो खुदावंद अपने राइट टाइम पर और अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें पूरा करेगा। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं सिस्टर जी आपके लिए कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और बहुत अच्छे से आपने सारी बातों को एक्सप्लेन किया है, और पर्सनली मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आप जानते हैं कि सिस्टर जी वर्शिप करती हैं, सो हम सिस्टर जी से एक वर्शिप सॉन्ग सुनेंगे, और यकीनन आप इस गीत से बहुत बरकत को रिसीव करेंगे। खुदा ने हम सबकी ज़िंदगी में एक नया साल बख्शा है मेरे अजीज़ो, तो आए इस नए साल में खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लें और उसके नाम को जलाल दें, और इस नए साल को वेस्ट ना करें, आए उसके नाम को जलाल देते हैं। साडे दिल विचों माड़े तू ख्याल बंदिया, साडे दिल विचों माड़े तू ख्याल बंदिया, साडे दिल विचों माड़े तू ख्याल बंदिया, साडे दिल विचों माड़े तू ख्याल बंदिया। आया एक बारी फेर नवा साल बंदिया, आया एक बारी फेर नवा साल बंदिया, साडे दिल विचों माड़े तू ख्याल बंदिया। सांझा पक्कियां तू नेकियां दे नाल वे, कालियां रातां विच दिवियां नूं बाल वे, पाला सांझा पक्कियां तू नेकियां दे नाल वे, कालियां रातां विच दिवियां नूं बाल वे। ना तू बद्दियां दा बण पाई वाल बंदिया, ना तू बद्दियां दा बण पाई वाल बंदिया, आया इक बारी फेर नवा साल बंदिया, आया इक बारी फेर नवा साल बंदिया। कड दिल विचों माड़े तू ख्याल बंदिया, कड दिल विचों माड़े तू ख्याल बंदिया, आया इक बारी फेर नवा साल बंदिया, आया इक बारी फेर नवा साल बंदिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर जी बहुत अच्छा आपने गीत गाया, और यकीनन आप सब ने इस गीत से बरकत को रिसीव किया है, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की बेटी के लिए जिन्हें खुदा ने बहुत ही बाबरकत आवाज़ दी है, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह सिस्टर जी आप लास्ट में नए साल पर यूथ को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं एक वर्शिपर हूँ और मैं एज अ यूथ काम कर रही हूँ, तो मैं आपसे ये चाहूँगी कि इस नए साल में आए मेरे अजीज़ों, जो भी यूथ मुझे देख रहा है, मैं उन सबसे ये कहूँगी हमें ज़रूरत है उसके कलाम की, उसके रूह की, उसके सच्चाई की, अपनी ज़िंदगियों में उसको बुलाएं। ये नया साल एक बहुत ही बाबरकत मौका है हम सब के लिए कि हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। सो मैं आपसे भी ये चाहूँगी कि आए इस एक अच्छी आदत को अपनाएँ, बाइबल पढ़ें, दुआ करें, रोज़ों में ठहरें, और अपनी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बनें। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम से और इन सारी खूबसूरत गुफ्तगू से आपने बहुत ज़्यादा बरकत को रिसीव किया है। सो आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इसी तरह फेथ टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब न्यू वीडियोज़ आती हैं तो आप तक पहुँचें, ताकि उन वीडियोज़ से, उन पैगाम से आप बरकत को रिसीव करें। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।